जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार एम विद आरवी में। तो जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हो गए हैं, तो हम राष्ट्रमंडल खेलों के एमसीक्यूज देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? टोक्यो, बीजिंग, बर्मिंगम या न्यूयॉर्क? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्मिंगम, इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा या भारत? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। इसने गोल्ड कितने जीते हैं? तो 67, और सिल्वर कितने जीते हैं? 57, और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? तो 54। टोटल पदक ऑस्ट्रेलिया ने कितने जीते हैं? 178 पदक जीते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 68, 78, 45 या 61? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 61। तो भारत ने कितने पदक जीते हैं? गोल्ड कितने जीते हैं? 22, और सिल्वर 16, और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? 23। टोटल पदक कितने जीते हैं? तो 61। आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक 67 किस देश ने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, भारत? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 67। आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? पेरी द बुल, मिराई तोबा, शोमाइटी, विंगडोन? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरी द बुल इसका शुभंकर होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? सभी के लिए खेल, गेम्स फॉर एवरीवन, अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत, खेल और दुनिया, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी के लिए खेल, गेम्स फॉर एवरीवन। आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? किसमें उद्घाटन समारोह में? पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, तो इनमें दोनों होंगी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? अंजिता शरत कमल, निकहत जरीन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, किसमें? समापन समारोह में ये ध्वजवाहक थे। आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन से, पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, मनप्रीत सिंह ये हॉकी खिलाड़ी हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मीराबाई चानू, मीराबाई चानू इसका सही आंसर होगा। इन्होंने 49 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 22वां, 21वां, 23वां, 24वां? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 22वां। आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे? 1925, 1935, 1930 या 1939? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1930। आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 2, 4, 6, 8? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 साल के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? 1930 हैमिल्टन राष्ट्रमंडल खेल, 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल, 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल, ये इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई, 26 जून, 18 अगस्त, 27 दिसंबर? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, किस देश में सबसे ज़्यादा बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? भारत, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बार आयोजित हुए हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल देश में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 29, 54, 46, 56? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 56, 56 इसका सही आंसर होगा।
तो हम राष्ट्रमंडल खेलों का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, कहाँ? हैमिल्टन, कनाडा से। और इसका ये कौन सा क्रम है? 2022 में ये 22वां क्रम है। कहाँ पे आयोजित हुए? बर्मिंघम, इंग्लैंड में आयोजित हुए हैं। और इसकी ध्वजवाहक कौन है? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। इसमें पहला गोल्ड किसने जीता है? मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार में। सेकेंड गोल्ड जेरीना लाल रिनुंगा ने जीता है, कितना? 67 किलोग्राम भार में। और थर्ड गोल्ड किसने जीता है? अर्चिता सेवली ने जीता है 73 किलोग्राम भार में। और इसका शुभंकर क्या है? पेरी द बुल इसका शुभंकर है। और इसमें खेल कितने हैं? 20 इसमें खेल हैं, स्पर्धा में 280 हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक्स।